शिवपुरी जिले के पिछोर इलाके के पिपारा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल जाते बच्चों कीचड़ से भरी सड़क से गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में बच्चे लाल रंग की ड्रेस पहनकर बस्ते पीठ पर टांगे संघर्ष करते दिख रहे हैं, जिसे न केवल स्थानीय लोगों को आक्रोशित किया है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। यह दृश्य केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सड़क बनाने के लिए अपने राज्यसभा निधि से सहायता देने का ऐलान किया है। पिपारा गांव की सड़क पर घुटनों तक कीचड़ भरी स्थिति में बच्चों का स्कूल जाना कठिनाइयों से भरा है। गांव के निवासी प्रभुपाल ने बताया कि बच्चों का हौसला सराहनीय है, लेकिन स्कूल तक पहुंचने का यह रास्ता हर रोज एक चुनौती बन जाता है। विशेषकर बारिश के दिनों में 100 मीटर की सड़क जो गांव से स्कूल तक जाती है कीचड़ से भर जाती है और बच्चों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करती है। इस वायरल वीडियो के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्रामीणों की मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय सरपंच के पास सड़क निर्माण के लिए आवश्यक राशि नहीं है तो वे अपनी राज्यसभा निधि से धन मंजूर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि सरपंच इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी संपर्क कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने इस बयान के बाद मामला और गर्म हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जो सरकारी रास्ता पहले था उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे मौजूदा रास्ता बेहद कठिनाई भरा हो गया है। अब ग्रामीण और जनप्रतिनिधि इस रास्ते का सीमांकन कराने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द नई सड़क बनाई जा सके। गांव में विकास कार्यों की धीमी गति और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने यहां के लोगों के को आक्रोश को और बढ़ा दिया है। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले पर ध्यान दिया है। सरकार ने सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस बीच राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। शिवपुरी जिले में यह मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अप्रत्यक्ष रूप से बयानबाजी हो रही है। दिग्विजय सिंह का यह कदम क्षेत्र में सिंधिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राजनीति माहौल गर्म हो गया है। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी की और एक दुखद तस्वीर पेश करती है, जबकि सरकार और जनप्रतिनिधि विकास की बात करते हैं। हकीकत में अभी भी ऐसे गांव कई गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और सड़क जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है।